सर आप इस वाले फोन के बारे में मतलब जैसे कि वन प्लस सेवन आपके कितने की दे रहे हो सर? ये सर सिर्फ और सिर्फ आपको मैं आपको 10 से साढ़े 10 हजार रुपए का फोन, 10 से साढ़े 10 हजार वन प्लस सेवन है, वारंटी में फोन है, बिल्कुल 3000 रुपए का मिलेगा, सब चीज ओरिजिनल है और सर ओरिजिनल है, क्लोन तो नहीं है, कुछ क्लोन नहीं है, आईफोन एक्स है सर। आप कितने की दे रहे हैं? आईफोन एक्स सिर्फ और सिर्फ सर 20,000 का, सिर्फ 20,000 का, और सर बिल्कुल नया सर, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल क्लोन नहीं है सर, आप देख सकते हो, चला के आप देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट ओरिजिनल फोन है, बिल्कुल ओरिजिनल फोन है, 20,000 आपके पास, 15-12 हजार वाले भी जी बिल्कुल बिल्कुल आप मिल जाएगा। 6s भी सिर्फ आपको सिर्फ 4,000 से 5,000 तक, आईफोन 6s आपका 11-12 आईफोन सर, अगर मौज वाली अगर देखते हैं तो 2 से 2.5 हजार रुपए हमारे पास स्टार्ट, 2 से 2.5 हजार आईफोन स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वन प्लस की सेवन आपको बात करें तो वन प्लस हमारे पास वो भी 3,000 3,200 रुपए, 128 GB है हाँ आईफोन सेवन, और आपके कितने की ले रहे हो? 128 GB है ये। गाइस तो कैसे हो दोस्तों आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे यार। अब मैं क्या बोलूँ यार गाइस, आपको सब कुछ पता ही है, मैं 3 महीने होगा मैंने वीडियो नहीं डाली थी, जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उन सबको पता है मेरे साथ क्या हुआ था, 13 जगह इंजरी, पाँव में फ्रैक्चर, एक्सीडेंट, काफ़ी बुरा, पूरा फेस पूरा बॉडी ख़राब हो गया था, सबको पता है। 2 महीने में सब कुछ रिकवर हो गया सिवाय पैर के, आज मैं शूज़ पहन पा रहा हूँ तो आज ये वीडियो आ रही है, मतलब आप ये समझ सकते हो। तो काफ़ी बुरा मतलब एक्सीडेंट हुआ था, मैं स्टोरी नहीं डाल सकता था मैं कैसे एक्सीडेंट हुआ, मैं ये तक नहीं बता पाया क्योंकि मेरा फेस पूरा ख़राब था, ये पूरा का पूरा आपको मैं एक फ़ोटो देख सकते हैं, बस एक ही फ़ोटो दिखा रहा हूँ, बाकी मैं आगे दिखाऊंगा। तो मुझे नहीं पता है लोग कितने लोग देख रहे हैं क्योंकि मैं 4 महीने बाद आया हूँ अपने चैनल पर, मुझे नहीं पता 7.5 लाख सब्सक्राइबर में सब कितने लोग मुझे अभी देख रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता, बट मुझे पता है कि यार आप यार इतना तो सपोर्ट करोगे क्योंकि मैं कोई क्लिक बेट नहीं कर रहा, 3 महीने से अपना चैनल को खुद डाउन कर दिया, जिस चैनल पे मैंने 2.5 साल से मेहनत किया, वैसे मैं यूट्यूब पे 2011 से आप मेरे Q&A वीडियो देख सकते हो, पर उस चैनल को मैंने अपने हाथों से गिराया क्योंकि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैंने सोचा एटलीस्ट फेस पे वीडियो बना देता हूँ, लोगों को क्लिक बेट लगे या ना लगे मेरे पे व्यूज़ भी आएंगे, चैनल भी उठेगा, बट क्या हुआ कि फेस पूरा ही ख़त्म था मेरा, कि आप खुद डर जाते, मेरे खुद अच्छा ही नहीं लग रहा था, घर से भी नहीं निकल पा रहा था। अब मैं ज़्यादा इसको मैं बोलूँगा नहीं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। तो बात ऐसा है दोस्तों कि आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे आप सबको स्मार्टफोन बहुत सस्ते में मिलेंगे। आप में से काफ़ी लोग मुझे आज भी इंस्टाग्राम पे कहते थे कि ब्रो जो वन प्लस सिक्स कहाँ है, मैं आपको बता देता हूँ वो अब भी है मेरे पास, और मेरा फ़ोन उसके पास वन प्लस सेवन है आज उसके पास, तो मैं इसको मैं गिव अवे करूँगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, आप बताओ क्यों चाहिए, सेम चीज़ है क्योंकि मैं एक्सीडेंट हो गया था तो मैं गिव अवे नहीं कर रहा था, आज भी बेस्ट चल रहा है, मैं रिव्यू दोबारा दे सकता हूँ। तो दोस्तों गिव अवे तो कोई एक ही बंदा जीतेगा, वो आपको भी पता है जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बताएगा। तो बाकी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एक नोस्ट्रा प्रो ऐप है जो काफ़ी अच्छा ऐप है, जिसमें आपको काफ़ी सारे गेम मिलेंगे लाइक क्रिकेट, हॉकी, मतलब फुटबॉल, सारे गेम मिलेंगे, और उसमें आपको बस प्रिडिक्ट करना है कि कौन जीतेगा, कौन कितने रन बनाएगा बस, और आपको कुछ नहीं करना होगा, और आप उसमें काफ़ी पैसे अर्न कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने रिसेंटली वन प्लस सेवन लिया, तो मैंने वहीं से लिया था, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करो वहाँ से, काफ़ी अच्छा ऐप है, और आप उसमें पावर्ड बाय पेटीएम है तो आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा डलवा सकते हो। बाकी तो दोस्तों कुछ नहीं कहूँगा, फिर चलते हैं उस मार्केट में, ओके तो पूरी वीडियो देख लेना यार। तो दोस्तों जिस शॉप की मैं बात कर रहा था, तो मैं फाइनली उस शॉप पे पहुंच गया, तो अब मैं आपको यहाँ पे शॉप के ओनर से मिलवा देता हूँ, जो कि आपको सारे चीज़ें बता देंगे एक एक करके। तो यहाँ पे सारे आईफोन वाईफोन आप देख सकते हो, यहाँ पे इनके पास देख सकते हो काफ़ी वैरायटी है, तो मैं आपको यहाँ पे ओनर से मिलवा देता हूँ जो कि आपको एक एक करके सब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कन्हैया कुमार मिश्रा है, और यहाँ पे मेरा एक नहीं 2 शॉप है, ये हमारा प्रॉपर जो है यहाँ पे, हम दोनों शॉप का छोटा छोटा आपका जो है आपके उसके बारे में दोनों बताएंगे। इससे पहले मैं आपको एक एक करके फ़ोन के बारे में जो बताना, जो मेन है फ़ोन के बारे में जो बताना चाह रहा हूँ,
वो आप हमारे पास लो से लेके हाई तक का सारे मॉडल अवेलेबल है, सारे मॉडल अवेलेबल है, आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी मॉडल हो रहे हैं मार्केट में जो चल रहा है वो सारे मॉडल के बारे में हम आपको बताएंगे। आईफोन सर अगर मोस्ट वैल्यू अगर देखते हैं तो 2 से 2.5 हज़ार रुपए हमारे पास स्टार्ट है, 2 से 2.5 हज़ार रुपए आईफोन स्टार्ट बिल्कुल स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वन प्लस की सेवन आपको बात करें तो वन प्लस हमारे पास वो भी 3,000-3,200 रुपए से हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं, 3,000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सारे अवेलेबल है, 1+6 या 6-10 हज़ार तक के बिल्कुल मिल जाएंगे सर। स्टार्टिंग आप ले लीजिए, मान लीजिए एक छोटा सा सिंपल एक 5S है, अच्छा ठीक है, ये 5S है सारे सामान के साथ, बिल्कुल परफेक्ट फोन, जेन्युइन फोन है, कोई ऐसा चीज में जो नहीं। और ये वाला फोन सिर्फ और सिर्फ आप मैं मार्केट में जो है आप कहीं भी जाओगे 5,500-6,000 से नीचे नहीं मिलेगा। अच्छा। बट मैं इसको सिर्फ सोल्ड जो कर रहा हूँ 3,500-4,000 रुपए के बीच में, एज ए कंडीशन की डिपेंड है। अच्छा। उसमें आपको बिल्कुल परफेक्ट पीस, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्लोन नहीं, कोई ऐसे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सारे ओरिजिनल है, आपको 3,500 तक का मिल जाएगा। आप देख रहे हो बिल्कुल क्लोन नहीं है, ओरिजिनल फोन है। मेरी तरफ से आएंगे तो सर कुछ कम भी हो सर, आपके अगर हमें वीडियो का वो दिखाते हैं कि हमारे से यहाँ से वीडियो से आया है तो अगर मैं जहाँ तक होता है वहाँ हम बिल्कुल आपके उसके थ्रू आपके अगर आते हैं तो मैं उसको बिल्कुल करेंगे आपका। अच्छा, ठीक है उसके जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर जाते हैं कि कस्टमर मार्केट में चाहते हैं कि जो बहुत रेयर सबसे ज्यादा चलता है फोन 6S चलता है, ठीक है 6S की सारी वैरायटी है हमारे पास, सारे कलर अवेलेबल है 6 में, जैसे कि 16 GB है, 32 GB है, 64 GB है, ठीक है उसमें भी कलर वेरिएंट है, जैसे गोल्ड है, ग्रे है, ब्लैक है, सिल्वर है, सारे कलर अवेलेबल है। यस सर, अगर 6 का गोल्ड कलर ये 16 GB है, माला सपोज करो ये 16 GB है, 16 GB हाँ जी, कह रहे कि ये वाला फोन आपके पास 5,000 रुपए तक के भी अवेलेबल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मार्केट में 9 से 10 हज़ार रुपए के अवेलेबल होंगे। कौन सा मॉडल है सर? आईफोन 6 16 GB। अच्छा 6 16 GB यस, गोल्ड में, गोल्ड कलर में, ग्रे कलर में, गोल्ड में भी है, ग्रे कलर में भी है, सारे कलर में अवेलेबल है, गोल्ड ग्रे मतलब सारे कलर में है। अच्छा ये आप कौन सा दिखाने वाले हो? 6S आईफोन का 6S है ये, इसमें 32 भी है, 64 GB भी है, जो आप इसका अगर मान लीजिए आप एक स्टार्टिंग रेंज हमारे पास जो 6S का है ओनली ओनली मैं सिर्फ और सिर्फ 7,000 का आपको ये दे सकता हूँ, 7,000 रुपए में 6S 7,000 रुपए। और यही अगर मार्केट या करोड़बाग सब में लेने जाएं कहीं पे कितने का पड़ेगा ये? आपका 11,000-12,000 से नीचे नहीं मिलेगा जी बिल्कुल। आपके पास ये 7,000 तक, 7,000 रुपए से हमारे पास, आपके पास वारंटी भी है जैसे अगर कोई आ बिल्कुल बिल्कुल सर 10 से 15 दिन की, 15 दिन की पूरी वारंटी देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी रिप्लेस करना चाहते कोई और नया फोन बिल्कुल सर उसके जगह आपने जी ये फोन दे जाओ आप दूसरा रिप्लेस करना है रिप्लेस कर लो जो भी आपका है वो हम आपका कर सकते हैं। 7 अच्छा आईफोन 7 इसमें भी हमारे पास सारे वैरायटी है, इसमें भी हर कलर के, हर कलर के रोज गोल्ड है, गोल्ड भी है, ब्लैक भी है, मैट ब्लैक भी है, सारे मॉडल भी सारे मतलब स्टोरेज भी 32-128 GB दो चलते हैं सर, मोस्टली ज्यादातर यही 2 GB चलते हैं, ये सिर्फ ये हमारा है 128 GB 128 GB इसमें ये सर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये दे सकता हूँ 10,000-11,000 रुपए का, 11,000 रुपए का आईफोन 7 है। और सर ये क्लोन तो नहीं? आप जाके चेक करा सकते हो कहीं सर्विस सेंटर में, क्लोन होता है हमारे, आप वापस दे जाओ, आपका कोई ऐसे ऐसी काम होता ही नहीं हमारे पास बिल्कुल। तो सर एक बार मैं कैमरा चेक करना चाहता हूँ, आप देख सकते हो तो कैमरा क्वालिटी से आपको पता चल गया हो कि क्लोन जी सर, बाकी सर अगर मेरे तरफ से आएंगे तो कुछ कम बिल्कुल आईफोन 7 का 128 GB है, 32 करेंगे तो 5 से 6-7 तक मिल जाएगा बिल्कुल। आईफोन X है, अच्छा आईफोन X बिल्कुल 64 GB बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन, कोई स्क्रैच नहीं कहीं से भी। आप ये कितने की दे रहे हैं? आईफोन X सिर्फ और सिर्फ सर 20,000 का, सिर्फ 20,000 का। और सर ये बिल्कुल नया सर, बिल्कुल परफेक्ट है बिल्कुल सर, क्लोन नहीं है ये भी, बिल्कुल क्लोन नहीं है सर, आप देख सकते हो, चला के आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है, ओरिजिनल फोन है वैसे सर। वैसे सर अगर आप मार्केट में आप ज्यादा 44-45 आपको देंगे इसके नीचे कोई मतलब, आप मार्केट में ट्राई करोगे तो इसके नीचे नहीं, चाहे करोल वाल ट्राई करो या हमारे M2K में भी आप ट्राई करोगे इसके नीचे नहीं मिलेगा ये सर आपको। 1+7 यस बिल्कुल न्यू, बिल्कुल स्क्रैच भी नहीं, बिल्कुल कोई स्क्रैच नहीं, कोई कुछ नहीं, 1+7 फोन है बिल्कुल ब्रांड न्यू, पूरे वारंटी है 10 महीने 11 महीने की पूरे वारंटी के साथ है ये सर। सिर्फ और सिर्फ आपको 15,000 रुपए का आईफोन 7 आपको मिलेगा, ये आपका 28-29 से नीचे आपको A50 के साथ आपको 20 से 19 हज़ार रुपए का मार्केट में मिलता, मार्केट में पास मात्र 10 से 11 हज़ार रुपए का मिल रहा है, वो भी फिंगरप्रिंट के साथ है और बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन देख सकते हो।
पूरा मतलब 50% का डिस्काउंट हो गया इसलिए मतलब 20,000 का फोन सीधा 10,000 रुपए का वो भी बिल्कुल न्यू गाइस। तो गाइस दोस्तों आपने देखा कितने सारे फोन, जो सारे आईफोन देख लिया आपने, वन प्लस देख लिया, सैमसंग देख लिया, तो जो फोन 10,000 रुपए का मार्केट में मिल रहा है अभी बिक रहा है मतलब दूसरे शॉप वाले 10,000 रुपए में करोल बैग सब में दे रहे वो आपको यहाँ पे 2,500 से 3,000 रुपए तक का मिल रहा है, आप सही समझ रहे हो। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रेस वेड्रेस सब कुछ मिल जाएगा, आप फोन कर सकते हो इनको जो भी फोन चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि कभी भी आप इनके शॉप पे आए तो उससे पहले फोन कर लेना, क्योंकि इनके पास हर दिन फोन बिकते रहते हैं, इनका पर्सनल वेबसाइट भी है, काफी सारे शॉप भी है, तो ये बहुत बिजी रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पहले फोन कर लेना इनको जो आपको फोन चाहिए, क्योंकि इनके पास हर एक फोन बिकते रहते, हो सकता है ये कल हो या ना हो, तो देख लेना दोस्त। तो गाइस तो दोस्तों जैसा कि आपने वो वाली वीडियो देखी, आपने देखा कितने अच्छे अच्छे फोन्स हैं, कितने वैरायटी है। तो अभी मैं यहाँ पे एक और शॉप पे आया जहाँ पे आपको और फोन्स मिल जाएंगे, उससे और कम प्राइसेस में मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे वेरियंट्स हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे शॉप के बंदे से मिलवा देता हूँ जो कि आपको सारे फोन्स के बताने वाले हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ आईफोन 16 GB का। अच्छा चालू भी है? बिल्कुल। अच्छा ओरिजिनल है? बिल्कुल पूरा ओरिजिनल है। आप ये कितने की दे रहे हैं? मैं दे रहा हूँ आपको ये 7,000 रुपये। 7,000 रुपये वैसे कुछ कम तो जाएगा अगर मेरी तरफ से? हाँ आपकी तरफ से कोई यूट्यूब देख के अगर वीडियो कोई आएगा हाँ, तो उसमें डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा तो मतलब हम कह सकते हैं 6-6.5 तक का लग सकता है? हाँ हो जाएगा। अच्छा हो सकता है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ आईफोन 7। अच्छा आईफोन 7 हाँ। कौन सी जीबी है? 128 GB। तो गाइस इनका पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने खुद ही देखा यहाँ पे काफी सारे फोन हैं, यहाँ पे सारे आपको पास आईफोन सी आईफोन है, यहाँ पे कम से कम आपको आईफोन में भी 150 वेराइटीज मिल जाएंगे, मतलब इनके पास 3S मतलब सारे फोन इनके पास है। तो आपको अच्छा ऑलमोस्ट 4 है आपके पास, तो सब पे आपको जो मार्केट में 15,000 रुपए का मिल रहा है तो वो यहाँ पे आपको 8 से 9,000 तक में मिलेगा, और भी कम हो जाएगा अगर आप मेरी तरफ से आए तो देख लेना, बाकी तो यहाँ से निकल के बात करते हैं। तो दोस्तों आपने देख ही लिया हो कि ये क्यों इतना सस्ता दे रहे हैं, क्या है सब कुछ उन्होंने खुद भी बता ही दिया, उनका डायरेक्ट डीलर से उनका टाइप होता है जिस वजह से उनके पास काफ़ी सस्ते में काफ़ी जल्दी फ़ोन आ जाते हैं, वो भी ज़्यादा मार्जिन में नहीं, क्योंकि उनके एक एक दिन में टन टन के हिसाब से फ़ोन आते हैं। मतलब आपको मैं ये बता दूं एक एक दिन में इनके पास 5,000-4,000 फ़ोन आते हैं, उनके खुद के 3 शॉप होते हैं, तो ज़्यादा मार्जिन नहीं करते, सिर्फ 100 से 50 रुपये मार्जिन करते हैं एक फ़ोन पर, 150 से 200 रुपये और फिर बेच देते। और आप ही सोचो जब अगर एक दिन में इन्होंने 2,000 मोबाइल बेचा, 1,000 मोबाइल बेचा और 100 का मार्जिन लगा दे तो देख लो कितना प्रॉफिट बन रहा है। तो यही चीज़ है निकाले, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये दिखाऊं। बाकी दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मतलब एक्सीडेंट हुआ कैसे था, मतलब सबको पता है कि एक्सीडेंट हुआ, ठीक है 3 मंथ गायब हुए थे, बट हुआ कैसे, तो इसके लिए हम चलते हैं। दोस्तों बात स्टार्ट होती है 3 मंथ पहले से, आपने एक मेरी वीडियो देखी थी जिसमें मैंने और सौरभ ने मिलकर डिस्कस किया था कि हम थाईलैंड जा रहे हैं, बट थाईलैंड जाने के लिए आपको ज़रूरी होती है पासपोर्ट, और मेरे पास पासपोर्ट मैंने बनाया भी, सब कुछ हो गया, बट मेरा एग्ज़ाम चल रहा था जिस खातिर वो पोस्ट ऑफिस वाला मेरे घर पे आता था तो मैं मिलता नहीं था। पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि कोई भी पोस्ट ऑफिस वाला मैन पोस्टमैन आपके हाथ में नहीं देगा अगर आपका वो पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि काफ़ी इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, सबसे पावरफुल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए तो बात हुई कि यार वो आता था, वो मैं रहता नहीं था, तो फिर उन्होंने सोचा कि यार अब हम नहीं देंगे, अब हम एक स्टिकर चिपका देते कि अगर तुम नहीं आए तो हम कैंसिल कर देंगे, और आपको पता है कितनी मुश्किल से बनता है आज के टाइम पे पासपोर्ट, तो मैंने सोचा चलो मैं ही चला जाता हूँ। और जो मेरा पासपोर्ट ऑफिस था वो लोनी गाजियाबाद में कहीं था, और आपको पता है कि यूपी में लोनी सब में कैसे रोड होते हैं और कैसे क्या होती है। तो बात ये हुई कि जो कार आ रही थी मेरे साइड से और मैं कट ले रहा था, बारिश का समय था ही, क्योंकि आपको ही पता है जून जुलाई में भी बारिश हो रही थी बहुत अच्छी, मतलब बहुत तगड़ी हो रही थी बारिश, तो उस टाइम पर बारिश हो रही थी, तो मेरी अराउंड स्पीड 60 से 70 होगी अराउंड, जो एक स्कूटी या एक गाड़ी की होती है, पर उधर से वो कार आ रही थी, स्विफ्ट थी क्या थी मुझे कुछ भी याद नहीं, बस इतना पता है टकराया और मैं उछला, और उसके बाद मैं बेहोश हो गया था, मतलब आप सोचो इतनी तगड़ी एक्सीडेंट था। और पूरे बॉडी में ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, मतलब मैं फ्री था, मतलब 17 ही जगह चोट लगी थी, पाँव फ्रैक्चर हो गया था बस, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब मैं बस बेहोश हो गया था, फेंट हो गया था, मतलब किसी ने उठाया, किसी ने फ़ोन उठाया, किसी ने घर की चाबी उठाई, बस ऐसे ही था। और उसके बाद फिर मैं आ गया, पाँव में चोट था, शूज़ नहीं पहन पा रहा था, वीडियो कहाँ से बनाता, फेस पे चोट था, कहाँ से वीडियो बनाता, कैसे बताता कि एक्सीडेंट हो गया मेरा, मुझे खुद नहीं देखना लग रहा था कि यार ये मैं वही बनता हूँ, बट ये पता है कि यार आप सबके प्यार की वजह से मैं वापस आ गया। बाकी दोस्तों ये वीडियो अच्छी होगी मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि यार अब मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस थोड़ी लो है, बट अगर आप ये वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे कि ऑल द बेस्ट, हम ऐसे ही प्यार करेंगे, मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि गाइज ये मेरा चैनल मैंने बहुत 2.5 साल से उठाया और मेरी ही गलती की वजह से आज मैंने इसे डाउन कर दिया। मुझे नहीं पता वर्स्ट टाइम क्या चल रहा है, यूट्यूब की क्या एल्गोरिदम है, बट आप उसके एल्गोरिदम को क्रैक कर सकते हो अगर आप मुझे प्यार करोगे तो। प्लीज़ यार मुझे अभी आप सबकी ज़रूरत है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पबजी खेलता था, हर चीज़ खेलता था, वो आपको पता ही था, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, हर चीज़ छोड़ दिया, बस आज मेरे साथ सिर्फ सौरभ है, और सौरभ ने ही मुझे पुश किया था।
तो दोस्तों अभी मेरे साथ एशम रोक है। आपने इसकी काफ़ी सारी वीडियो देखते हो, आपको भी अच्छा लगता है 800 जब ये मॉडिफाई करवाते हैं, मैं कुछ चीज़ें और चेंज करवा रहा है जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ और मैं दोस्तों आप सबको बता दूं कि ये यही वो जगह है जहाँ पे हम पहली बार कोलैबोरेशन किए थे। थोड़ी सी शॉर्ट देखो, इसको भी याद नहीं है बट मुझे याद है पहली बार जब हम आए थे ना, बहुत टाइम से हमारी कोलैब की बात चल रही थी, बट फाइनली फिर मैंने भाई को बोला चलो करते हैं कोलैब, फिर भाई आया और हमने कोलैब किया। ठीक है, तो गाइस सीन ऐसा था कि देखो इसका एक्सीडेंट हो गया था और फिर ये कह रहा था कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ यार, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने इसको समझाया, अगर भाई क्यों छोड़ रहा है, इतनी सारी पब्लिक है, 7 लाख क्या बोलेंगे कि तू इतना वो हो गया क्या यूट्यूब छोड़ देगा, क्योंकि मैं सच में छोड़ा था। 7 लाख क्यों फिर क्यों करें? तो फिर आईने में अपने आप को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि जब ये मेरा पूरा ये फेस था ना पूरा, आप अभी भी देख सकते हो। उसके बाद गाइस इसके इतना डिमोटिवेट हो गया, रात को ना वहाँ से उठ के आ गया अपने घर से, इसकी चोट लगी हुई थी सब कुछ, मतलब एक भी इसके पैर वो नहीं था। देखो चल ना तू, अलाउड नहीं है भाई, अलाउड नहीं है कुछ भी, मतलब मैं कर तू कर, अलाउड नहीं है, ताजमहल नहीं है ताजमहल। तो गाइज ऐसा था कि गाइज ये ना रात को अपने घर से उठ के आ गया, क्योंकि गाइज मतलब इसके ना पापा से इसकी लड़ाई हो गई थी, कि पापा इसके बोल रहे थे कि भाई तू क्यों नहीं कर रहा यूट्यूब पे, क्यों नहीं कर रहा, अभी डिमोटिवेट हो रहा। तो पापा से रात को लड़ाई हो गई, तो कह रहा सोरा मैं तो यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ अभी, तो ये मेरे घर आया। फिर मैंने उसको बैठ के समझाया कि भाई तू वीडियो बनाने जा, अब तो ठीक हो चुका है थोड़ा बहुत, तो जा वीडियो बना के आ, लोगों को समझा, लोग समझेंगे भाई तेरे को, तू अब से नहीं बहुत पहले से मेहनत करता आ रहा है, ठीक है, और आज भी तू मेहनत करेगा। आपको आईने में नहीं देख पा रहा था, तो आप समझ सकते हो गाइस कि क्या बीत रही थी मेरे ऊपर, क्योंकि मैं हर तरफ से फूटा पड़ा था। आप अभी भी देखोगे ना, ये देखो अभी भी, ये देखो हाथ में यहाँ पे लगा हुआ है, इस हाथ में लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, आपको फोटो दिख रही होगी, आप फोटो देखो आप। बट मैं तो बोलूँगा कि यार अगर आप सहन कर पाओगे जब ये फोटो देखना, तो कुछ फोटोज़ आ रही हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ ये, क्या चीज़ है। तो सॉरी गाइज आपको मैंने कुछ फ़ोटोज़ दिखाए ऐसे, बाकी दोस्तों कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से मैं निकल के आप सबसे बात करता हूँ, थोड़ा सिनेमैटिक हमने यहाँ पे शॉट लिया, आप उसको इन्जॉय करो थोड़ा, ओके। तो है भाई तेरा मैंने इसके इस चैनल पे एक वीडियो डाली थी, मैं आप जैसे पहले अगर देख सकते हो, ठीक है, इस चैनल में मैंने वीडियो डाली थी और वो वीडियो मिले मैंने मिलियन दी थी, लोग ना मेरे को देखने के लिए ना आप मिलियन व्यूज देते हैं इसको हर एक वीडियो पे। आवाज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अभी हमारा फोटो वोटो शूट सब हो गया, इसका इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूँगा, तो इसका इंस्टाग्राम का लिंक पे जाके आपको सीधा फॉलो करना है। ये भी आपको, ये भी अपना 800 के गिव अवे करने के लिए बात कर रहा है, तो आप इसे मना लो कि 800 गिव अवे मार दे भाई, लोगन पोल में नहीं मतलब लोगन पोल भी ना करे भाई, लोगन पोल भी ना करे, व्हाट द फक, गाड़ी है यार उस, वो मेरे लिए भाई मजाक कर रहा हूँ, नहीं नहीं मेरे लिए तो सब कुछ। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अभी हम यहाँ से रेस्टोरेंट सब में जाएंगे और कुछ और अच्छी जगह एक्सप्लोर करेंगे, जो कि अभी आप थोड़ी देर में देखने वाले हो। बाकी आप मुझे बताओ सिनेमैटिक आपको कैसा लगा, आपको पता चल गया ना कि दोस्तों वो चूती है, तो दोस्तों आपको तब पता चल गया ना कि मैं आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो बस यार सपोर्ट करो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करो यार, बहुत मेहनत की है यार। तो चलते हैं फिर। तो दोस्तों बात ऐसी कि अभी हम फोटो शूट कराने के बाद यहाँ पे काफ़ी भूख लग गई थी, जिस खातिर अभी हम यहाँ पे आए। तो सौरभ अभी हमने क्या ऑर्डर किया था, जिस खातिर, हाँ जिस खातिर, अब नाजिम लंबी हो रही है वीडियो, तो सीन ऐसा है मेरे हाथ में देना भाई ट्राइपॉड, ऐसा मज़ा नहीं आएगा। तो सीन ऐसा है गाइस कि अभी फिलहाल हम आ चुके हैं कि ढाबे पे, ठीक है, लाइक इसको ढाबे कह सकते हैं, हाँ भाई वो भी पंजाबी का ढाबा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, संजय मैंने मतलब सारे ना स्टे करते हैं, ठीक है, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सो हम भी सो यही चीज़ करने आए हैं। एंड अभी हमने मंगाए 2 पराठे एंड मोजीटो मंगाई है, हाँ हाँ भाई गाइस, तो मोजीटो भी मंगाए, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है हमें यहाँ पे आके, कभी भी हम फोटो शूट कराते थे यहीं पे खाते, आप देख सकते हो हर जगह चेयर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, मतलब जब मैं कॉलेज में जाता था तो मैं यहीं पे आता था, मेरा फर्स्ट ईयर जो मैंने यहाँ पे लिया था, फिर तो बाद में ओपन से कर लिया था, क्योंकि भाई अपने बस की नहीं हो पाई, सही बात है, बाकी एक बार पूरा पकड़। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ब्रो आप सिर्फ यार बहुत कम वीडियोस डालते हो, ऐसा क्यों है? तो बात यह दोस्तों मुझे कंटेंट ढूंढना पड़ता है, बट अब मैं आपको एक वादा देता हूँ
कि अब जब भी मैं कोई मार्केट या कोई बेस्ट प्लेस बताऊंगा तो मैं कुछ लाइफस्टाइल व्लॉग्स भी उसमें ऐड करूंगा, मतलब आगे की, मतलब अगर मैं 10 दिन में अगर एक वीडियो डाल रहा हूं तो वो 8 दिन में कम से कम 3-4 व्लॉग्स कवर करूंगा जो कि मेरा हो। मुझे पता है आप प्लीज़ सपोर्ट करोगे मुझे, तो प्लीज़ बोल दिया एक बार तो बनता है। बाकी दोस्तों यहां से निकल के और एक अच्छी जगह जाएंगे जहां पे हम आपको सारी बेस्ट प्लेसेस दिखाएंगे, हो सके तो वहां पे फोटो शूट करेंगे और कुछ अपकमिंग न्यूज़ के बारे में। बहुत बोर करता है यार कि दोस्तों यहां तो कुछ नहीं कहूंगा, अब चलते हैं फिर यहां से, 6 बजने वाले ओके, तो पूरी वीडियो देखो। तो आशीष डेयर नंबर 2 देख, वहां पर अंकल खड़े हुए, उनके हाथ में ग्लास है, ठीक है, पानी पी रहे हैं। तो तेरे को उनके हाथ से ग्लास लेकर के पानी पीना, ठीक है, बड़े चाटा खाएगा नहीं कर पाया तो ठीक है जा। भाई सब देख रहे हैं ओके तो मैं डेयर दे रहा हूँ एक और वो देखो पब्लिक प्लेस में जाकर देखो लौट जाना है, ठीक है, कर लेगा देखूंगा भाई, यही सब इसमें है, तू जा फटाफट जा, बाकी जा बाकी जा बाकी जा। तो गाइस तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी दोस्तों नई वीडियो बहुत जल्दी आ रही है और अगर आप में से किसी को भी वन प्लस 6 चाहिए तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे मुझे बताइए आपको क्यों चाहिए, और जैसे मैंने पहले गिव अवे किया था इस बार भी सेम ही है, बस आपको बताना है। बाकी दोस्तों इसी वीडियो यहीं तक थी, आप सोचोगे ऐसा क्यों है, ये वीडियो यहीं तक थी क्यों है, मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक डेयर बनाया है जो कि आप अभी देख सकते हो, अभी तक अपलोड हो गई होगी, नहीं हुई तो अब हो जाएगी। बाकी तो दोस्तों मेट्रो आ रहा है मेरा और ये वीडियो यहीं तक एंड करता हूँ यहाँ से, और तो दोस्तों कुछ नहीं कहूँगा, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ओके।